द्वारिकाधीश ने घोषणा कर दी, जो मेरे पास पहले आएगा उसी को मैं अपना समर्थन दूंगा युद्ध में। एक ओर से, एक द्वार से अर्जुन पहुंचा, एक द्वार से दुर्योधन पहुंचा, सिरहाने जाकर बैठ गया, प्रभु विश्राम कर रहे थे, सिरहाने जाकर बैठ गया दुर्योधन और चरणों में बैठ गया अर्जुन। आंख खुली, स्वाभाविक है, जो चरणों में बैठेगा उसी पर दृष्टि पड़ेगी। तो भगवान ने कहा पहले अर्जुन मांगेगा, क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी। क्या है अर्जुन के पास? अर्जुन के पास गुरुजनों का दिया संस्कार है जो दुर्योधन के पास नहीं है। प्रभु के सर्वथा निकट पहुंचकर भी ये नहीं जानता कि मेरा स्थान कहां है, ये नहीं जानता कि प्रभु की कृपा की पात्रता क्या है। मैंने कल भी कहा था, भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। उनको किसी पर कम या किसी पर अधिक कृपा नहीं करनी है, लेकिन जिसके जीवन में सत्संग होता है, जिसको जीवन में गुरु की कृपा प्राप्त होती है, उसके मन का पात्र तैयार हो जाता है। वो कृपा को सहेज सकता है, वो कृपा को समेट सकता है, वो कृपा को धारण करने योग्य हो जाता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काड़े खो, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट, बाहर मारे चोट। पात्र को सुंदर कर देता है गुरु का दिया संस्कार, पात्र को पवित्र कर देता है। तो तीसरी बात भगवान कह रहे हैं, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ये जो अमान शब्द का प्रयोग प्रभु करते हैं, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। कैसे गुरु का सेवन हो? गुरु का सेवन अभिमानी होकर नहीं, गुरु का सेवन अमानी होकर करे। प्रयास तो यह हो कि कभी दृष्टि गुरु के चरणों से ऊपर उठे नहीं। और भाव कैसा हो? हथवन करा मैं तेरी बंदगी सारी, जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ता बस हुन जी रहा इक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ता बस हुन जी रहा इक तेरे। विनम्रता दे देता है गुरु का संग, जो प्रभु की कृपा के लिए, एक प्रभु की कृपा के लिए एक योग्यता है, एक पात्रता है। दीन पर कृपा करते प्रभु, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। इस दरबार में दीन का आदर है। जब आपको ये लगने लगे ना कि सामने वाला व्यक्ति जिसके मन में गुरु भाव लिए हैं आप, ये व्यक्ति कभी कभी बिना ही कारण, बिना ही अपराध पांव से ठोकर मार देगा हमें, तिरस्कार कर देगा हमारे भाव का, तब भी इन चरणों के प्रति हमारे मन में कोई अभाव नहीं आएगा। जब जब ऐसा भाव गरिष्ठ हो जाए, जब ऐसी भावना एक निष्ठ हो जाए, तब गुरु चरणों का सेवन करना चाहिए। ये गुरु चरणों के सेवन की विधि है।
एक छोटी सी कथा कई बार सुनाता हूँ, बड़ी बड़ी प्रिय लगती है मुझे। एक जब सेतु बांध रहे थे भगवान इस पार से उस पार जाने के लिए, भगवान को सेतु बांधने की आवश्यकता नहीं थी, रघुनाथ जी आज्ञा करते तो समुद्र को मार्ग देना पड़ता, लेकिन भगवान ने सेतु बनाने के लिए क्या चुना? पत्थर। और किस सिद्धांत का सूत्रपात किया प्रभु ने सेतु बंधन के द्वारा? उस पार कौन है? उस पार है जगदम्बा जानकी, भक्ति स्वरूपा। उस पार ले जाना है जीव को प्रभु को, तो प्रभु ने सेतु बांधा। किसका? पत्थरों का। और पत्थर पर लिखते क्या है वानर? क्या लिखते हैं? प्रभु का नाम। जिस नाम से पत्थर तरे, जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तरना आसान है। कि जो सबसे जड़ है, जो जो केवल केवल जड़ता का ही पर्याय है, भगवान ने यह दिखाया कि मेरे नाम से वो भी तैर जाता है, मेरे नाम से वो भी तरता है। तो सेतु बंधन हो रहा था और सब लोग सेवा कर रहे थे। एक एक नन्ही सी गिलहरी, वो कहीं से एक तिनका उठाकर लाती थी और सेतु पर ले जाकर रख देती थी। ऐसे आप भी अपनी समर्थ से सेवा अवश्य करिए। प्रगट भाव सेवा बिना चित्त न उपजे प्रेम। आपके जीवन में थोड़ी सी सेवा अवश्य हो। आप भले प्रभु को एक तुलसी दल निवेदन करें, भले आपके जीवन में एक ये भाव हो कि आपको नित्य प्रति एक फल एक फूल, भगवान करे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, किसी भी फल फूल के माध्यम से आपका भाव नित्य प्रति प्रभु के चरणों में प्रस्तुत हो, निवेदित हो। जीवन सेवा से खाली ना हो, जीवन सेवा से रिक्त ना हो। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जित तू आप करा में। सेवा सर्वोपरि धर्म है, सेवा सीधे ले जाती है भगवान के सर्वथा निकट, जो कोई साधन नहीं ले जा सकता उस सेवा करा देती है। तो एक गिलहरी सेवा कर रही थी, छोटा छोटा सा तिनका लेकर आती है और उस सेतु पर डाल देती है। उस तिनके की कोई आवश्यकता नहीं है, सेतु को बांधने में उस तिनके की कोई आवश्यकता नहीं है, उस तिनके की कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन प्रभु की दृष्टि पड़ती है उस गिलहरी पर। बड़ी देर से रघुनाथ जी देख रहे हैं, बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं उस गिलहरी को, वो उपक्रम सेवा का उपक्रम करते देखकर। ऐसे ही आप भी अपनी सामर्थ्य से बड़ी छोटी सी कोई सेवा करना, आपको भले लगे कि सेवा की तो कोई उपयोगिता नहीं है, आपको भले लगे इस सेवा के बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप करिए। आपकी सेवा, आपके हाथ से की गई सेवा आपको पवित्र करेगी। आपके हाथ से निवेदन की हुई वस्तु वो आप में पवित्रता का संचार करेगी। अपने मन के विकार दूर करने के लिए सेवा करिए, प्रभु को आवश्यकता नहीं, आपको आवश्यकता है, मुझे आवश्यकता है सेवा की। प्रभु आपको दीपक दिखाता हूं इसलिए कि मेरे मन का अंधकार दूर हो जाए। आपका श्रृंगार करता हूं किस लिए? मेरे मन का विकार दूर हो जाए। आपको भोग लगाता हूं किस लिए? कि ये वस्तु जब मेरे उदर में जाए तो इस भोजन के फल स्वरूप भजन में रुचि बढ़े। एक वस्तु होती है जो भीतर जाती है तो भोग की कामना जगाती है, जो बिना अर्पित वस्तु खाता है, जो भगवान को निवेदन किए बिना खाता है, जो बिना भोग लगाए खाता है, उस भोजन के परिणाम स्वरूप तन में भी परिपाक होता है मल का और मन में भी परिपाक होता है मल का। और जब वही वस्तु निवेदन हो जाती है प्रभु को, जब प्रभु की दृष्टि पड़ जाती है उस पर, जब प्रभु भाव से उसको आरोग लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो वस्तु प्रसाद हो जाती है। प्रसाद, उसमें उसमें एक प्रसन्नता का भाव जुड़ जाता है, उसमें एक आनंद का भाव जुड़ जाता है। वही वस्तु आप अपने घर में बनाते हैं और वही वस्तु जब आपको प्रसाद से मिलती है तो उसका स्वाद कुछ और होता है, उसका आनंद कुछ और होता है।
उसमें कृतज्ञता है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये कृतज्ञता है। दीन व्यक्ति प्रभु को प्रिय लगता है, जिसकी आंख झुकी हो वो प्रभु को प्रिय लगता है, जो योग्य होते हुए भी अपना माथा झुकाकर रखे वो प्रभु को प्रिय लगता है। देनहार कोई और है जो भेजे दिन रैन, और लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन, ऐसा व्यक्ति प्रभु को प्रिय लगता है। कबीर चेताते हैं, बोले कबीरा गर्व न कीजिए, और जिन हंसिए कोए बोले अब हूं नाव समुद्र में का जाने का होए। जब तक पहुंच नहीं जाइए तब तक गर्व कैसा, जो आपने कमा लिया है, जो आपने अर्जित कर लिया है, कभी नजर घुमाकर देखना, कभी दृष्टि उठाकर देखना, जो आपके पास है उससे अनंत गुणा, उससे कहीं 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 अधिक। यहां किसी ने कमाया, आज कोई उसका नाम भी नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। बोले कबीरा गर्व ना कीजिए, और जिन हंसिए कोए अब हूं नाव समुद्र में का जाने का होए। तो गिलहरी सेवा कर रही थी, प्रभु की दृष्टि थी उस पर, प्रभु देख रहे थे। सेवा करते करते हनुमान जी का पांव पड़ गया गिलहरी की पूंछ पर। प्रभु ने देखा, गिलहरी को झट से उठा लिया अपनी गोद में, दुलराने लगे उसको, पुचकारने लगे, बोले तो आप तो सेवा कर रही थी, हनुमान जी का पांव पड़ गया आपकी पूंछ पर, तो हनुमान जी से सेवक का अपराध हो गया, अब बताइए हनुमान जी को क्या दंड दिया जाए। गिलहरी की नन्नी नन्नी आंखों में अश्रु आ गए। बोली प्रभु दंड देना है हनुमान जी को? बोले हां, जो तुम कहोगी वही दंड देंगे। बोले तो हनुमान जी को बुलाइए, अपने निकट बैठाइए, और जिस प्रेम से आपने मुझे पुचकारा है उसी प्रेम से हनुमान जी को भी पुचकार दीजिए। रघुनाथ जी ने बड़े आश्चर्य में भरकर पूछा प्रभु ने, बोले मैंने तो तुमसे पूछा क्या दंड दिया जाए, और तुम कह रही हो हनुमान जी को बुलाओ और बुलाकर पुचकार दो। गिलहरी कहने लगी, प्रभु ये हनुमान जी जैसे किसी भक्त के चरणों की ठोकर का ही तो प्रताप है जो आप मुझे गोद में लिए बैठे हो। न लगती हनुमान जी के चरणों की ठोकर, न पड़ता हनुमान जी का वो चरण मेरी पूंछ पर, तो क्या आप मुझे गोद में उठाते? ऐसे अमानी होकर संत का सेवन करिए। इसीलिए गुरु के चरणों का सेवन करने के लिए बड़ी ऊंची योग्यता चाहिए। भगवान की सेवा करनी सरल है, संत की सेवा करनी कठिन है। सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म सबसे कठोर है। भगवान को तो आप 56 भोग लगाओ तो भी मुस्कुराएंगे, आप खाली तुलसी दल रख दो वो तो भी मुस्कुराएंगे। आप ऐसे ही तो करते हैं। हमारे व्यास जी एक पद लिखते हैं, बोले हरि भक्तंते समधी प्यारे। घर में जमाई को आना हो तो 3 दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती है, और भगवान की सेवा की बात आए तो बोले भगवान तो भाव के ही भूखे। आपने रख दिए 2 पताशे और भगवान संतुष्ट हो गए। भाई आवश्यकता तो 2 पताशों की भी नहीं है उन्हें। मैं फिर कह रहा हूं, सेवा की आवश्यकता उनको नहीं हमको है। सेवा से प्रभु को सुख नहीं मिलता। क्या है इस दरिद्र जगत में जो प्रभु को निवेदन किया जा सके? सारे जगत को देने वाले मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, जिसके नाम से आए खुशबू मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। इस दुनिया की भीड़ भाड़ में तेरा ही आधार। जब कोई वस्तु निवेदन करिए प्रभु को तो इस भाव से करिए, आपका मन आपका रोम रोम ये कहता हो कि प्रभु ये वस्तु किसी भी दृष्टि से आपके योग्य नहीं है। गर्व से मत जाइए,
कृतज्ञ होकर जाइए, आपके जीवन में अवसर आया है। वो चाहते तो आप और मैं भी ये जो घड़ियां हम भगवत चर्चा करते हुए व्यतीत कर रहे हैं, न होती प्रभु की कृपा, न प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ी होती, न प्रभु ने हमारा स्मरण किया होता। जीव भगवान का स्मरण नहीं करता, कर नहीं सकता, जीव के पास सामर्थ्य नहीं है भगवान का स्मरण करने की। इसीलिए प्रेम के मार्ग की आचार्या गोपी कहती है, कित पाऊं तरुवर की छाऊं, जित साजे कृष्ण कन्हैया। कित पाऊं तरुवर की छाऊं, जित साजे कृष्ण कन्हैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हरि रास रचैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हरि रास रचैया। अब सांझ भई गोपाल में, व्याकुल गैया तेरी। अब सांझ भई गोपाल में, व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मोरे मोरे, सुध लो मोरे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, खोई। इसलिए सत्संग के क्षण मिले तो प्रभु के प्रति कृतज्ञ होना, उसने याद किया है, नहीं तो जीवन भी तो जा ही रहा है संसार के प्रपंच में, जिसका कभी अंत नहीं आता। दर दर रुल देसी, किसे ना संभालिया, मेहरबान साहेब मेरा, चरना चला लिया। क्यों ना दाता तेरे तो मैं, क्यों ना दाता तेरे तो मैं, तन मन वारा शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो मैं, रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र। लगता है आप सबका मन कर रहा है गाने का, है ना। पाया तेरे दर तो मैं, रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं, रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। दर दर रुल देसी, किसे ना संभालिया, दर दर रुल देसी, किसे ना संभालिया। मेहरबान साहब मेरा, चरना चला लिया। मेहरबान साहब मेरा, चरना चला लिया। दर दर रुल देसी, किसे ना संभालिया। मेहरबान साहब मेरा, चरना
ए दरबार दीन को आदर, ऐसे गुरु का सेवन करिए। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि लोकी नंगी पैरी फिर दे ते सिर ते लब दे छावा, लोकी नंगी पैरी फिर दे सिर ते लब दे छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता मैं क्यों ना शुक्र मनावा। एक कृतज्ञ हृदय भजन कर सकता है, एक संतुष्ट हृदय भजन का आनंद लेता है। और ये संतोष ये गुण साधन ते नहीं हुए, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, ये दैवीय गुण है, सदगुरु की कृपा से हृदय में आता है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा ना कि मन में या संसार रहेगा या भगवान रहेंगे, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, ऐसे ऐसे मन में या शिकायत रहेगी या शुक्राना रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। जिसकी आंख प्रभु के विधान में दोष देखती है वो कैसे भजन करेगा, वो कैसे भजन में प्रवृत्त होगा। इसलिए बड़ी मार्मिक बात है, चिंतन करने का विषय है। भगवान सीधे ही आज्ञा नहीं देते गुरु की शरण में जाने की, बोले पहले संत का संग करे, तीर्थ नहावे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। पूर्व का पुण्य हो तो हृदय में भगवत भाव स्फुरित होता है, प्रकट होता है, किंचित थोड़ी आपके मन में इच्छा होगी। संत मिल जाए तो उस भाव का पोषण हो जाता है, उस भाव का सिंचन हो जाता है, और सदगुरु मिल जाए तो वो भाव सिद्ध हो जाता है, भाव भक्ति के शुद्ध सत्व में स्थिर हो जाता है, भाव परिपक्व हो जाता है, भाव को प्रभु अंगीकार कर लेते हैं सदगुरु की कृपा से। आप देखिए संसार में जितने भी नित्य सिद्ध भक्त आए भगवान के, भले वो सूर हो, भले कबीर हो, भले मीरा हो, भले रैदास हो, और देखिए जो अधिकार से लेकर आए हैं भगवान का भजन, जिनको इस संसार में आकर साधन करना नहीं है। तीन प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के, एक भगवान के नित्य सिद्ध भक्त होते हैं जिनको साधन नहीं करना है, जो स्वभाव से सिद्ध हैं, एक भगवान के साधन सिद्ध भक्त होते हैं जो इस संसार में आकर संत से, सत्संग से, गुरु कृपा के आश्रय से साधन करते हैं और अपने भाव को सिद्ध करते हैं। आज भाव आए कल चला जाए उसे भाव नहीं कहना चाहिए, भाव जो प्रतिपल बढ़े, जहां से आज हम आज की चर्चा में प्रवेश किए, श्रवण वो जो श्रवण की लालसा को बढ़ा दे, जो उपरति न करा दे, जिससे इच्छा बढ़े, सत्संग की इच्छा बढ़ती रहे। तो एक भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं जो भगवान के धाम से भगवत भाव में स्थिर होकर आते हैं, केवल संसार के कल्याण के लिए ही आते हैं। इसको गीता में भगवान कहते हैं तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक जो साधन से सिद्ध होते हैं और एक होते हैं जो भगवान की कृपा से सिद्ध हो जाते हैं, अहेतु की कृपा से, जो साधन नहीं करते, जिनके जीवन में कोई बहुत बड़ा साधन नहीं देखा जाता, अहेतु की कृपा हो जाती है भगवान की, छीटा पड़ जाता है भगवान के अनुग्रह का, जीव सिद्ध हो जाता है।
उसका भाव सिद्ध हो जाता है। असिद्ध शब्द का भी अर्थ समझने जैसा है। नाटक चेटक दिखा के संसार संसार की सुख सामग्री और संसार की भीड़ एकत्रित कर ले, उस सिद्धि की बात नहीं हो रही। साधन सिद्धि राम पग नेहू, सब साधनों की सिद्धि क्या है? निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। आगम निगम पुराण बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। साधन सिद्धि राम पग नेहू, जो भगवान को प्रिय हो जाए वो सिद्ध है। जो भगवान को प्यारा हो जाए, भगवान की जिसमें प्रियता हो जाए। एक बार नारद जी गए वैकुंठ धाम। नारद जी का स्वभाव है, वो भगवान का मन है, इसीलिए एक स्थान पर वो स्थिर नहीं रह सकते। भक्त को भी भगवान एक स्थान पर स्थिर नहीं रहने देते। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज धर्म का प्रचार करते करते एक गांव में पहुंचे। बड़ा सत्कार किया गांव के लोगों ने, बड़ी सेवा की। और जब महाराज चलने लगे तो महाराज आशीर्वाद दे के जा रहे हैं, भाई उज्जड़े रहो। फिर एक गांव में गए, वहां कोई पानी पूछने वाला नहीं है, कोई प्रणाम करने वाला नहीं है। महाराज वहां से चले तो बोले भाई वस्से रहो। तो जो साथ में लोग थे बोले महाराज इतनी सेवा की जिन लोगों ने, उनको आपने कहा भाई उज्जड़े रहो, और यहां जिसने कोई प्रणाम नहीं किया, एक जल का पात्र आपको निवेदन नहीं किया, उनको आप आशीर्वाद दे के जा रहे हो, बोले भाई वस्से रहो। तो महाराज ने फरमाया, बोले वो जहां जहां जाएंगे संस्कार लेकर जाएंगे, वो जहां जहां जाएंगे वहां पवित्रता लेकर जाएंगे, वो जहां जहां जाएंगे संत की सेवा करेंगे। बोले ऐसे व्यक्ति का एक स्थान में रहना ठीक नहीं होता, उचित नहीं होता। साधु सोई जो रमता रहे। भगवान भक्त को एक स्थान पर नहीं रहने देते। भक्त भले मनुष्य जैसा दिखाई पड़ता हो, पर भक्तमाल कहती है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्त के रोम रोम से ऐसा एक परमाणु निकलता है जिससे दैवी गुणों का संचार होता है। मैं अभी कह रहा था ना, संतोष ये आप कमा नहीं सकते, धन लेकर नहीं खरीद सकते, ये तो साधु का संग देता है, सत्संग देता है। संत के रोम रोम से ऐसा परमाणु निकलता है जो सारी सृष्टि का कल्याण करता है। इसलिए भगवान एक स्थान पर नहीं रहने देते संत को। नारद जी भी पहुंचे वैकुंठ धाम, कीर्तन करते करते नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण दर्शन किया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं मेघवर्णं शुभांगं। स्तुति की भगवान की। भगवान के अर्ध निमिलित नेत्र, भगवान के सिरहाने एक बड़ी सुंदर सी पुस्तक रखी थी। महाराज जी के मन में बड़ी उत्सुकता हुई, पूछा बोले प्रभु क्या है इसमें। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले इसमें उन भक्तों के नाम हैं, उनकी सूची है जो हमारा सतत भजन करते हैं। सुनते ही नारद जी के मन में बोले हमारा नाम जरूर होना चाहिए इसमें। बोले प्रभु एक बार दर्शन कर ले। प्रभु ने कहा जरूर करिए। देखा, पुस्तिका खोली तो सबसे पहले नारद जी का नाम था। बड़े प्रसन्न हो गए। सारी पुस्तक खोलकर देख ली, हनुमान जी का नाम कहीं नहीं था। श्री हनुमान जी का नाम नहीं था। बोले प्रभु इसमें हनुमान जी का नाम नहीं है। ठाकुर जी ने कहा हनुमान जी से ही पूछिए जाकर। दौड़े गए नारद जी हनुमान जी के पास, पूछा बोले ऐसे ऐसे हम आज वैकुंठ धाम गए थे,
बड़ी सुंदर पुस्तक देखी, प्रभु के भक्तों की सूची थी, आपका कहीं नाम नहीं था। हनुमान जी मुस्कुरा दिए, बोले हम इसलिए थोड़ी भजन करते हैं कि पुस्तक में हमारा नाम छपे। अब तो भाई क्या होता है कि कोई पंखा भी देता हो तो पंखे के तीन परों पे पूरे खानदान का नाम लिखा रहता है। ये जो आप मंदिरों के बाहर पत्थर लगवाते हो ना, मैंने किसी सिद्ध महात्मा के मुख से सुना है, हमारे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, बोले जब तक उस पत्थर पर नाम लिखा रहेगा तब तक आपको इस संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि ये चोरी है, ये पाप है, ये अपराध है। आपने प्रभु की वस्तु प्रभु को दी, आप यश अपना कराते हैं, ये कीर्ति की चोरी है, ये प्रज्ञा अपराध है। तो हनुमान जी बोले इसलिए थोड़ी भजन करते हैं कि किसी किताब में हमारा नाम छपे, हम तो अपने मन के सुख के लिए, अपने अपने भजनानंद के लिए भजन करते हैं। नारद जी गए, फिर गए प्रभु के पास। नारद जी कोई संतोष नहीं हुआ हनुमान जी की बात सुनकर। अब प्रभु के सिराने एक और बड़ी सुंदर पुस्तक रखी थी। नारद जी बोले प्रभु ये क्या है? तो प्रभु ने कहा पहले देख लीजिए क्या है ये। नारद जी ने सब पन्ना पलटे, किसी का नाम नहीं। सबसे पहले पन्ने पर सिर्फ हनुमान जी का नाम लिखा था। तो नारद जी ने कहा प्रभु ये कौन सी पुस्तक है बताइए। प्रभु मुस्कुराकर बोले कि नारद जी इसमें उन भक्तों के नाम है जिनका भजन मैं करता हूं, जिनका सुमिरन मैं करता हूं, ये भजन के मार्ग की सिद्धि है। जो भगवान भजने लगे, जब भक्त भगवान का सुख हो जाए, आनुकुल्येण कृष्णानुशीलनम सभक्तिर उत्तमा, जब आपकी चेष्टा, जब आपकी वृत्ति, जब आपका व्यवहार, आपका चिंतन भगवान को सुख देने लगे, आप सोचोगे ये संभव नहीं है। कहा ना हुई सत्संग ते, साधु का संग मिल जाए, सदगुरु मिल जाए तो ये असंभव संभव होता है। जीव भगवान का सुख हो जाता है, जीव भगवान का आनंद हो जाता है। भक्त भगवान का आनंद ही तो है, इसलिए भगवान सब कुछ देते हैं, खूब देते हैं, निरंतर देते हैं, लेकिन अगर सहज में नहीं देते तो अपनी निश्चल निष्किंचन भक्ति नहीं देते भगवान। अगर सहज में नहीं देते तो भक्त का संग नहीं देते, ये बड़ा दुर्लभ है। महत्संगस्तु दुर्लभो, भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धय और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। बोले अर्जुन पहले तो हजारों मनुष्यों में से कोई एक होता है जिसकी मेरी ओर रुचि होती है, और उसमें से भी अर्जुन कोई बिरला होता है जो सच में मुझे चाहता है, मुझे पाता है, मुझे ध्याता है, जो केवल मेरा भजन करता है, जो केवल मेरे लिए मेरा भजन करता है। बोले ऐसा तो कोई दुर्लभ होता है, दुर्लभ विरल, ऐसे संत का संग नहीं देते भगवान। तो साधन सिद्धि राम पग नेहू, ये साधन की सिद्धि है। तो साधु का, संत का, सदगुरु का सेवन हो अमानी होकर, स्वयं के यश की कामना ना हो, स्वयं के कीर्ति की कामना ना हो, और कंचन तजनो सहज है, धन का लोभ छूट जाता है, स्त्री का लोभ छूट जाता है, कीर्ति का लोभ नहीं छूटता, ये दुर्लभ है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृढ दोष विभंजन। और आप देखिए, मैं निवेदन कर रहा था, जितने भी भगवान के नित्य सिद्ध भक्त आए संसार में, जो आए ही केवल संसार का कल्याण करने के लिए, जो आए ही केवल भक्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए, उनको भी जब इस जीवन में, इस संसार में प्रभु मिले, प्रभु का नाम मिला, प्रभु का भाव मिला, तो गुरु की कृपा से मिला। मीरा कहती है ना, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो भयो जी मैं तो नाम रख।
सूरदास जी जो सतत प्रभु की लीला का दर्शन करते हैं, सतत भगवत लीला का चिंतन करते हैं, आस्वादन करते हैं, छके हैं जो प्रभु की रूप माधुरी में, जब सूरदास जी को सबसे पहली बार उनके सदगुरु मिले महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी महाराज, गौ घाट पर मिलन हुआ मथुरा के, वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रज में अभी अभी पहुंचे ही थे, सूरदास जी वहीं पर थे, मन में बड़ी इच्छा थी कि आचार्य चरण का दर्शन हो जाए। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने भी सुन रखा था कि कोई ब्राह्मण है चमत्कारी है, उसके कंठ में बड़ी मधुरता है, बड़ा सुंदर गाता है। महाप्रभु ने बुला भेजा, सूरदास जी आए, महाप्रभु ने कहा अपना परिचय दो। बोले कौन हो? तो सूरदास जी क्या परिचय देते हैं, मोसम कौन कुटिल खल कामी। बोले जिस तन दियो ताही बिसरायो ऐसी नौन हरामी। बोले हो सब पतितन को नायक, हो सब पतितन को राजा। पूछते गए महाप्रभु ठीक ठीक परिचय दो, ठीक ठीक बताओ कौन हो। सूरदास जी ने एक बार भी ये परिचय नहीं दिया कि मैं ब्राह्मण हूं, ये परिचय नहीं दिया कि मेरे पास ये सिद्धि है कि मैं बंद आंखों से किसी के भी अगले और पिछले जन्म का हिसाब किताब लगा लेता हूं, ये परिचय नहीं दिया। कौन है सामने? सदगुरु खड़े हैं। सूरदास जी की दृष्टि ऊंची नहीं हुई, सूरदास जी का मन ऊंचा नहीं हुआ, सूरदास जी का मन लगा है कहां? महाप्रभु के चरणों पर। जितनी बार वल्लभाचार्य महाप्रभु पूछते गए, सूरदास जी बस ऐसा ही कोई परिचय देते गए, हो सब पतितन को राजा। बार बार महाप्रभु पूछते और सूरदास जी कहते, बोले महाराज बस इतना समझ लीजिए कि मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं है। मौसम कौन कुटिल खल कामी। बोले मेरे जैसा कोई दूसरा कुटिल नहीं है, कोई खल नहीं है। और हम जब संत के पास जाते हैं तो सूची लेकर जाते हैं, हम कौन हैं, हमारी संसार में उपलब्धियां क्या हैं। इसीलिए प्रभु इस शब्द का प्रयोग करते हैं, गुरु पद पंकज सेवा। और पद पंकज सेवा, गुरु सेवा क्यों नहीं कही प्रभु ने? गुरु पद पंकज सेवा, सर्वस्व का न्योछावर करते हुए भी दृष्टि कभी गुरु के चरणों से ऊपर ना उठे। जब सुग्रीव आभूषण दिखा रहे थे माता जानकी के, श्री रघुनाथ जी ने पूछा लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण पहचानो क्या ये आभूषण सीता के हैं? लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैं तो केवल चरणों के नूपुर पहचानता हूं, क्योंकि इससे ऊपर कभी मैंने देखने का साहस नहीं किया। मैं जब जब उनके सन्मुख हुआ मेरी दृष्टि सदा उनके चरणों पर है, ये सेवक का गुण है। इसलिए प्रभु कह रहे गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, अमानी होकर। साहब न किसी ने हंस के पाया है और न किसी ने रो के पाया है, जिसने उसको पाया है वो मुर्शिद का हो के पाया है। साई बुल्ले शाह कहते हैं लोग की बुल्ले नू मत्ती देन दे, लोग की बुल्ले नू मत्ती देन दे, बुल्लिया आ बैजा विच मसीती, विच मसीता दे की कुछ हुंदा जे दिलो नमाज ना नीती, बारों पाक होया की होवे जे अंदरे रही पलीती, ते बिना काबिल मुर्शिद मिलिया एवें गई है इबादत कीती। महाप्रभु द्रवीभूत हो गए सूरदास जी के दैन्य पर। सूरदास जी नाटक चेटक दिखाते, सूरदास जी अपनी सिद्धाई दिखा देते, सूरदास जी अपने सिद्ध होने का परिचय दे देते, बड़े ऊंचे सारस्वत कुल में जन्म हुआ था, साधन संपन्न थे सूरदास जी, विगलित नयन से झरते अश्रु, गदगद कंठ, कांप रहा था सूरदास जी का गात जब वल्लभाचार्य महाप्रभु के सामने खड़े थे, काली करनी देख के कांपे सकल शरीर। मन में क्या विचार चल रहा है कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, कैसे आपके सन्मुख हूं प्रभु? ये तो आपकी कृपा है जो मुझ दीन को हीन को सर्व साधन शून्य को आज इन चरणों के समीप ले आई। मैं कैसे दृष्टि उठाऊं, कैसे अपना परिचय दूं, क्या परिचय दूं अपना, क्या अर्जित किया है मैंने, क्या कमाया है आज तक? काम, क्रोध, लोभ,
मद असूया मात्सर्य, यही तो मेरी कमाई है, क्या परिचय दूं अपना। महाप्रभु ने देख लिया कि ये जीव कृपा पात्र है, क्यों? क्योंकि दीन है। महाप्रभु ने तत्काल मस्तक पर हाथ रख दिया, सूरदास जी को भगवत लीला का दर्शन करा दिया, सूरदास जी का संबंध करा दिया श्रीनाथ जी से। वो मीरा जो जन्म से कृष्ण प्रेम का अधिकार लेकर आई है, जिसके संसार में आने का हेतु ही है कृष्ण प्रेम की प्रतिष्ठा, कृष्ण के प्रेम को प्रत्यक्ष कर देना जिसके इस संसार में आने का हेतु है, वो मीरा भी अपने गिरधर लाल के चरणों में पड़ी रोती है कि तुमने मुझे सत्संग